अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जो चर्चा हो रही है, मेरी दृष्टि में यह काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध सारी दुनिया की आधी आबादी से है। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, उसका संबंध 80% आबादी से है, क्योंकि हमारा देश कृषि पर निर्भर है। पूरे देश की खाद्य समस्या से इस मंत्रालय का संबंध है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं या दिए जाएंगे, उन पर मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे, उन पर उपयुक्त निर्णय लेंगे। पैरा महोदय, विश्व खाद्य संगठन ने इस वर्ष को हिंदुस्तान के लिए खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बड़ा गंभीर वर्ष बताया था, लेकिन देश को किसानों ने, मजदूरों ने, इस देश की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने वैज्ञानिकों के सहयोग से इस बात को साबित कर दिया है कि यदि हमारे देश के किसानों को आवश्यक वस्तुएं दी जाएं, तो वह किसी भी देश के किसान का उत्पादन के मामले में मुकाबला कर सकता है। इसलिए सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह किसानों की हर तरह से सहायता करे। यह जरूर है कि इस वर्ष प्रकृति की भी काफ़ी कृपा हमारे ऊपर रही है, लेकिन हमेशा वह कृपा बनी रहेगी यह कहना संभव नहीं है। इसलिए इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इसकी ओर कृषि मंत्रालय को विशेष ध्यान देना चाहिए। पैरा महोदय, सिंचाई के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, मैं इस मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, उनको हमें शीघ्र पूरा करना होगा। समय हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि अनेक राज्यों ने पहले की स्वीकृत योजनाओं को पूरा किए बिना कई नई योजनाएं हाथ में ले ली हैं, जिससे उनको पूरा करने की गति धीमी होती जा रही है, क्योंकि उनके लिए पैसे की कमी हो जाती है। अगर प्रकृति हमारा साथ
ना दे तो हमारे देश पर भारी मुसीबत आ सकती है। इस मुसीबत से बचने के लिए हमारी प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम में सिंचाई को भी सम्मिलित किया है। जहाँ तक छोटी सिंचाई योजनाओं का सवाल है, वह हमारे देश के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। स्टॉप।